आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे काम जो यदि आप गुरुवार को करते हैं तो आप जल्दी धनवान बनेंगे। देखिए बृहस्पतिवार जो दिन है उस पर देवों के गुरु बृहस्पति का आधिपत्य स्थापित है। अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलकर देवों ने अपार धन संपत्ति प्राप्त कर स्वर्ग का साम्राज्य को भोगा है। गुरुवार का दिन देवगुरु को बहुत प्रिय है, अतः आप भी उन्हें प्रसन्न करके धनवान बन सकते हैं। गुरुवार के दिन यदि आप काम करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो सारे दुखों का नाश होगा, अनुकूलता का आगाज होगा। सबसे पहली चीज़ तो यह कि सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, नहाने की बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डाल दें गुरुवार के दिन, पीले वस्त्र पहने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए केसर का तिलक लगाएं। अब केले के वृक्ष को जल अर्पित कर सरसों के तेल का दीपक अर्पित कर गुड़ का भोग लगाइए, वहीं पर आसन बिठाकर बैठ जाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब फ्लैट व्यवस्था है, आजकल फ्लैट में आप छोटे जो केले के पेड़ होते हैं ना वो आप गमले में लगा सकते हैं। दूसरी चीज, शिव मंदिर जाकर उन्हें बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, हल्दी की माला से ओम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः भी जाप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। पीली गांठ वाली हल्दी को पीले धागे में पिरोकर गले अथवा बाजू में धारण कर सकते हैं। पीली हल्दी खाने से भोजन का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही आपकी तकदीर भी बना सकती है। बृहस्पतिवार के दिन भोज्य पदार्थों में अवश्य हल्दी का प्रयोग करें। लाल रंग की गाय को गुड़ खिलाइए। मैं इतने सारे काम बता रहा हूँ, आप कोई भी एक सिंपल सा जो आपकी सहूलियत के हिसाब से वो आप चुनकर उसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत रखने से घर में हमेशा सुख शांति की बहार रहती है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।